Hello students, a very warm welcome to you all in my class, in the class of accountancy, where in the previous lectures we were dealing with the concept of rectifications of error, and dealing that we have detailed described that what is rectification, what is accounting error, and what is the rectifications of error, and also discuss that how many types of accounting error took place in the books of account, where we have detailed all the types of error and their related rectification too. हमने बातें की थी कि हम accounting error को कितनी तरीके से क्या books of account में देखते हैं और ultimately हर एक error को किस तरीके से books of account में record करते हैं, किस तरीके से उनको rectify करते हैं ताकि जो हमारी accounting books हैं वो accurate हो, वो हमारे accounting user के लिए appropriate हो, और अल्टीमेटली जो भी इंफॉर्मेशन उनसे निकल के आती है दैट कुड बी रिलाइड बाय द इंटरेस्टेड पार्टी. सो रिमाइंडिंग ऑल दैट, टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द रेक्टिफिकेशन एंड लेट्स हैव सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स टू, सो दैट द कॉन्सेप्ट कुड बी मोर क्लियर एंड द रेक्टिफिकेशंस ऑफ सच एरर, आइदर इट मे वन साइडेड और इट मे टू साइडेड, could be more clear to you. So without wasting time, let's have a concept, let's have a look of the question, practical question in your books. That is question number 39 of your practical book. That is the question related to the rectification, the question number 39. And now we are going to deal directly the solution of that particular question, and let us deal that what are the rectification that could be make related to these error, and let us deal what is the actual transaction expecting to. Okay, so first of all we'll deal with the journal entry in the books of company, in the books of account. Okay, so first of all we will deal with the rectification of these error related to the journal. Okay, so let us see what the question is asking and what is expecting by the question. Okay, so when we talk about the rectification, it involves the format of journal, and ultimately we will draw the format of journal. When we talk about the first transaction, जब हम first transaction की बात करें, इससे पहले मैं आपको remind करा दूँ, format जो था हमारा journal का same रहेगा, that is date, particular, LF, amount debit and amount credit. ठीक है, अब हम जो है एक एक करके हर एक transaction की entry समझेंगे, एक एक करके हर एक ट्रांजेक्शन की अलग सिचुएशन समझेंगे और आइडियल एंट्री, रियल एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री की बात करेंगे. ठीक है, ठीक है. आइडियल एंट्री का मतलब वो एंट्री जो कि एक्चुअली होनी चाहिए. ठीक है, अल्टीमेटली करेक्ट एंट्री यू कैन से, एंड रियल एंट्री मीन्स द रॉन्ग एंट्री दैट वॉट एवर वी हैव मेड, एंड एज पर दैट द रेक्टिफिकेशन वॉट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, केस वन में हम लोग बात करें तो केस वन में सबसे पहले हमारा जो ट्रांजेक्शन था दैट वॉज ultimately it has been given that the total of purchase return book 2100 has not been posted. ठीक है, हमारा जो total of purchase return book was not posted. ठीक है, रुपीज 2100,
सो इट इज इम्प्लाइड कि अल्टीमेटली अगर हम टोटल ऑफ परचेज रिटर्न की बात करें और वो भी पोस्टिंग की बात करें, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट परचेज रिटर्न अकाउंट. ठीक है, इट मीन्स इट इज एन एरर ऑफ वन साइडेड ओनली. ठीक है, अब परचेज रिटर्न की बुक में अगर हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो परचेज रिटर्न की बुक में रिकॉर्डिंग जो होगी अल्टीमेटली क्रेडिट साइड में होगी. ठीक है, तो क्रेडिट साइड में अगर रिकॉर्डिंग होगी तो इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए डेबिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो इसके लिए हम अल्टीमेटली डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर देते हैं, दैट इज सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट. ओके, एंड द अमाउंट इज 2100. ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड ट्रांजेक्शन, द सेकंड ट्रांजेक्शन इज दैट अ सेल ऑफ 4300 ऑफ टू रन हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 3400. ठीक है, लेट्स डील द केस स्टडी. हमने यहां पे देखा कि अल्टीमेटली केस टू में अ सेल ऑफ 4300 क्रेडिटेड एज रुपीज 3400. ठीक है, इसका मतलब कि हमने 900 रुपए कम लिखे. ठीक है, और अगर 900 रुपए कम लिखे तो किधर कम लिखे, क्रेडिट साइड में कम लिखे, इसका मतलब 900 रुपए क्रेडिट साइड में कम होनी चाहिए. और क्रेडिट में हमारा ट्रांजेक्शन जो है अल्टीमेटली सेल का है, तो सेल अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है. ठीक है, इट मींस व्हेन वी टॉक अबाउट द एंट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंट्री, द सेल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, द सेल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एज रुपीज 900 एंड देयर इज no account in the debit side, therefore suspense account will be debited as rupees the 900. ठीक है, होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. अब इसके बाद हम लोग अगले ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, विच इज A purchase from Suresh for rupees 4000 has been entered in the sale book. However, Suresh has been correctly credited with 4000. ठीक है, हमने purchase किया ultimately Suresh से, और उसकी recording जो है हमने sale book में कर दी. ठीक है, ultimately purchase from Suresh. From Suresh of rupees 4000 recorded in sales book. ठीक है, however the purchase book, however the Suresh account, Suresh account is correctly recorded. ठीक है, हमने सुरेश अकाउंट की रिकॉर्डिंग करेक्ट की है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में पहले अगर क्वेश्चन को समझे हम, तो हमें करना था अल्टीमेटली परचेज अकाउंट को डेबिट करना था. ठीक है, और सुरेश को क्रेडिट करना था. ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमने सेल्स अकाउंट को भी रिकॉर्ड कर दिया, ऐसी कंडीशन में सेल्स को क्रेडिट किया होगा.
ठीक है। तो जो एरर पार्ट है, एरर पार्ट रेक्टिफिकेशन की एंट्री में अपोजिट साइड चला जाता है, इसलिए सेल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसके बाद जो पार्ट हमारा करेक्ट है, जो पार्ट हमने जैसे रिकॉर्ड किया था वैसे ही करना है, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, सुरेश को स्किप कर देंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें अल्टीमेटली परचेज अकाउंट की, तो परचेज अकाउंट गलत है, अल्टीमेटली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो परचेज अकाउंट की रिकॉर्डिंग कर देंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिटेड एंड टू सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर। देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट द एंट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंट्री रिलेटेड टू दैट एंट्री अकाउंट, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रेक्टिफिकेशन होगा, दैट रेक्टिफिकेशन विद सेल अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, देयरफॉर अल्टीमेटली सेल्स अकाउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट एंड अल्टीमेटली द अमाउंट ऑफ सस्पेंस विल बी डबल, इट मीन्स द सम टोटल ऑफ बोथ द अकाउंट दैट इज रुपीज 4000 एंड 4000, इट मीन्स 8000। होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। एंड लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वेयर we have to record the next transaction related to the error of sale of old furniture on credit of rupees 5400 recorded as sales account as 4500, ठीक है। हमने क्या किया, ultimately old furniture को हमने sale किया और उसकी recording उसकी रिकॉर्डिंग हमने सेल्स में की, रिकॉर्डेड एज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमने अगर फर्नीचर को सेल किया है, फर्नीचर को अगर हमने सेल किया ऐसी कंडीशन में, ठीक है, अगर हमने फर्नीचर को सेल किया तो इट मींस सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड, इट शुड बी क्रेडिटेड। और अगर हमने सेल्स को गलती से रिकॉर्ड कर दिया है, इट मींस व्हाट, इट मींस इट हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है, विच शुड नॉट बी लाइक दिस। ये जो है हमारा एरर पार्ट है, और एरर पार्ट हमेशा हम अपोजिट साइड में दिखाते हैं, देयरफॉर इट शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, ठीक है। और इसके बाद जो है हम यहाँ अमाउंट की भी डिफरेंस देख रहे हैं, 4500 रिकॉर्ड किया है हमने, जबकि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी 5400 की, इट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 900 अप्रॉक्स, ठीक है, 900 की हमने मिस्टेक देखी। तो अब इस 900 की मिस्टेक को हम सस्पेंस अकाउंट से दूर करेंगे, तो सबसे पहले जो एरर पार्ट है उसको हम सही करते हैं, यानी कि सेल्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ओल्ड फर्नीचर को क्रेडिट कर सकते हैं एज अ आइडियल पार्ट, ठीक है, ओल्ड फर्नीचर हमने क्रेडिट किया, ठीक है, रिलेटेड अमाउंट हमने पोस्ट की 4500 5400। नाउ वी कैन सी दैट द डिफरेंस ऑफ रुपीज 900 इज डेफिसिटेड इन द डेबिट साइड, therefore suspense account has been debited to rupees 900, ठीक है। अब इसी एंट्री को हम पोस्ट कर देते हैं अपने अकाउंट में एज अ पार्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, तो अल्टीमेटली हमारा सेल अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट किया, एंड देन आफ्टर फर्नीचर को हमने
क्रेडिट किया. द रिलेटेड अमाउंट टू बी ट्रांसफर एज ₹4,500, ₹9,500 and ₹5,400. So this was the rectification of the entry number 5. And now see what's the next part of the error. That goods taken away by Ramesh, who was the proprietor for his personal use, not been recorded in the books at all. ठीक है. It means a drawing take place, but it has not been recorded of ₹750. Okay, this transaction has not been recorded in the books so far. It means it should be recorded. अगर हम इसकी रिकॉर्डिंग करें, अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा, हमारा जो ड्राइंग होगी उस ड्राइंग को ड्राइंग के नाम से डेबिट कर देंगे. ठीक है, अल्टीमेटली अमाउंट वाले कॉलम में 750 ट्रांसफर भी कर देंगे. ठीक है, और लेकिन हमने गुड्स परचेज किया है तो इसलिए गुड्स यूज किया है एक्चुअली, तो इसलिए परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे. It means 750 would be recorded here. ठीक है, so it is the rectification of all these accounts. Let us draw the account of suspense. So when we draw the account of suspense, it should be disposed. Suspense account जो है dispose होना चाहिए. ठीक है, लेट अस सी द अकाउंट इज डिस्पोजिंग और नॉट. ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि डिस्पोजल कैसे होगा, यानी अकाउंट को डिस्पोज कैसे करेंगे, सबसे पहले अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि जब रमेश ने अकाउंट टैली नहीं किया तो 12,700 को डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया. तो इट मीन्स There was an opening balance of 12,700. ठीक है, ये opening balance था हमारा. अब इसके बाद हम एक एक करके अपनी सारी entries देखते हैं और उन्हें compare करके यहाँ पर transfer करेंगे. ठीक है, let us see. In the entry number 1, the suspense account has been debited and the opening account is purchase return. So it should be recorded here. हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया, तो इसकी पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी एज ₹2,100. ठीक है, तो 2100 में हमने रिकॉर्डिंग कर दी. इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें तो सेकंड ट्रांजेक्शन में हमारा सस्पेंस अकाउंट फिर से डेबिट हुआ है और अपोजिट में है हमारा सेल्स अकाउंट. ठीक है, और अमाउंट है हमारी 900. सेम ट्रीटमेंट हम जो है सस्पेंस अकाउंट में भी कर देंगे, डेबिट साइड में जाकर के सेल्स अकाउंट लिखेंगे और 900 की पोस्टिंग कर देंगे. ठीक है, होप द रेक्टिफिकेशन ट्रीटमेंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. ठीक है, अब इसके बाद जो है आगे हम बढ़े, आगे अगले ट्रांजेक्शन की बात करें. तो अगले ट्रांजेक्शन में हमने देखा क्या, अगले ट्रांजेक्शन में हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट देखा. ठीक है, और डेबिट में दो दो अकाउंट हैं, इन दोनों ही अकाउंट से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना चाहते हैं तो कर लें. क्रेडिट में जो है इसकी पोस्टिंग होगी क्या, क्रेडिट में पोस्टिंग होगी. ठीक है, दोनों ही अपोजिट अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, सेल्स और परचेज, 4,000 से सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट 4,000 से रिकॉर्ड किए जाएंगे. ठीक है, इसके बाद चौथी एंट्री हम अगर देखें तो यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया है फ्रॉम ₹900 ओनली. ठीक है, और अपोजिट साइड में फर्नीचर अकाउंट है केवल, तो सस्पेंस को डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और अल्टीमेटली हम जो है फर्नीचर अकाउंट विल डेबिटेड. ठीक है, 900 से फर्नीचर अकाउंट को हम
डेबिट कर देंगे। इसके बाद हम अगली एंट्री पे आए, अगर अगली एंट्री हमारी ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज, इसकी रेक्टिफिकेशन हम नहीं किए हैं, इन दैट केस इसकी रेक्टिफिकेशन की जाएगी। और इसकी रेक्टिफिकेशन करने पे हमने देखा कि ना डेबिट में सस्पेंस है और ना ही क्रेडिट में सस्पेंस है, देयरफॉर दिस रेक्टिफिकेशन विल नॉट बी टू प्लेस इन द सस्पेंस अकाउंट एनी हाउ। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में इसकी कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ देखिए सारी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमने कहा कि अगर हमने सारी एंट्री सही की है तो इसकी ऐसी कंडीशन में दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। नाउ वी कैन सी दैट द टोटल इज नॉट इक्वल, इट मींस समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, लेट्स चेक द एंट्री अगेन। हम सारी एंट्रीज को चेक करें। पहली एंट्री हमने परचेज बुक को ओवरकास्ट, परचेज बुक की अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग नहीं की है, परचेज रिटर्न बुक की, तो ये जो है हमारी एंट्री सही है। ठीक है, सस्पेंस को जो परचेज रिटर्न को रीड करना चाहिए, अल्टीमेटली ये एंट्री, दिस एंट्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, दिस एंट्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरे ट्रांजेक्शन में देखा कि अ सेल ऑफ 3400 टू राम हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 3400। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने राम को सेल किया, राम को गुड सेल किया, तो राम के गुड सेल करने की एंट्री होनी चाहिए राम डेबिट टू सेल। ऐसी कंडीशन में जो अमाउंट होगी होगी क्या 4300, है ना। लेकिन बाय एरर गलती से हमने राम अकाउंट को डेबिट नहीं बल्कि क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में राम 3400 अमाउंट भी हमने लिख दी है, तो राम की जो अमाउंट जो सही तरीके से रेक्टिफाई होगी, जब रेक्टिफाई की जाएगी, ठीक है, तो ये देखिए ये जो एरर पार्ट है, ठीक है, एरर पार्ट है, उस एरर पार्ट को हम अपोजिट करेंगे। ठीक है, और आइडियल पार्ट को सेम साइड रखेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब राम अकाउंट डेबिट होगा इन द एंट्री ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है, राम अकाउंट जब डेबिट होगा तो इन दोनों ही अमाउंट को ऐड किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही अमाउंट को ऐड किया जाएगा, है ना। जब इन दोनों ही अमाउंट को हम ऐड करेंगे तो वी विल फाइंड दैट 4+3 7700 विल बी डेबिटेड। सिंस देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द सेल, इट विल हैव टू अस्यूम दैट सेल्स हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डेबिट क्रेडिट में सस्पेंस आ जाएगा। ठीक है, सस्पेंस आ जाएगा, इट मींस व्हाट, इट मींस इसकी रिकॉर्डिंग जो हमने की है, एक्चुअली हमने जो रिकॉर्डिंग की है दैट इज सस्पेंस डेबिट टू सेल, इसकी जगह हमारी आइडियल एंट्री का पार्ट क्या होगा, आइडियल एंट्री का पार्ट होगा दैट इज रेक्टिफिकेशन में हम डालेंगे, अभी जस्ट हमने आपको क्लियरली दिखाया, राम्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो अब उस एंट्री को हम जो है वापस से रेक्टिफाई कर देते हैं, राम्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इस रेक्टिफिकेशन का हमारे लेजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, हमारे लेजर पे इस रेक्टिफिकेशन का इम्पैक्ट पड़ा, ये जो 900 की अमाउंट है, इस 900 की अमाउंट को हम अपने लेजर से डेबिट से हटा देंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली इस राम अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नाउ वी कैन सी दैट द टोटल ऑफ बोथ द साइड आर इक्वल एज 15700। नाउ वी कैन से दैट द अकाउंट हैज कंप्लीटली रेक्टिफाइड एंड द टोटल ऑफ द सस्पेंस अकाउंट इज वेरी मच क्लियर टू यू एंड टैली विद ईच अदर, देयरफॉर द सस्पेंस अकाउंट इज ऑल्सो डिसॉल्व नाउ।
सस्पेंस अकाउंट का डिस्पोजल हो गया क्योंकि दोनों साइड में है अल्टीमेटली एक दूसरे से मैच हो गई, ठीक है। सो दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वेयर इनिशियली वी हैव सीन दैट व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड द डिस्पोजल ऑफ सस्पेंस अकाउंट, एंड दस वी केम टू नो दैट हाउ द रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर शुड बी took place in the books of account and how the effect of the errors could be prevented from the books of account, and the books of account are ideal and accurate. So hope the concept is very much clear to you. We'll meet in the next class. Till then, take care and goodbye.